नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन। मैंने इस पे डिजिटल टाइमर XT 246 सेम मॉडल नंबर और डिजिटल टाइमर और भी मेरे पास में कई प्रकार के हैं। मैंने तकरीबन वीडियो बना रखी है इसी पर। तो क्या कंप्लेंट आ रही थी उसकी वीडियो में, जो कमेंट आ रही हैं कि इसको लगा तो देते हैं पर सर्किट चालू नहीं होता, या किसी का NO जल जाता है या किसी का NC जल जाता है। तो मैं आपको इसमें फुल डिटेल, इसका सर्किट डायग्राम हम कैसे तैयार करेंगे, इसको सर्किट में हम कैसे यूज करेंगे, इसकी फुल जानकारी मैं इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, शुरू से एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन पर नए हो, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है, तो प्लीज़ इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप आसानी से हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, आपका टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में पहले इसका एक सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ। मॉडल नंबर है इसका XT 246 और इसकी सप्लाई 85 वोल्ट से 270 वोल्ट AC, ठीक है, 50 से 60 हर्ट्ज। इसका ये सर्किट डायग्राम है। एक नंबर लाइन, दो नंबर न्यूट्रल, 3 और 4 इस पर कोई कनेक्शन नहीं है, 5, 6, 7 ये रिले है, 6 कॉमन, 5 NO और 6, 7 NC ऐसी सेकेंड रिले है, ये 12, 13, 14 13 कॉमन है, 12 NO है और 14 NC है। और ये इसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, क्या रीसेट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, 9 नंबर कॉमन है, 8 स्टार्ट के लिए और 10 रीसेट के लिए। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, पहले हम एक और दो पर लाइन दे देते हैं। क्या करते हैं, एक नंबर और दो नंबर पर लाइन, एक और एक पर दे देते हैं न्यूट्रल, ठीक है। हमें अब क्या करना है, इसको स्टार्ट और स्टॉप कराना है, रीसेट और स्टार्ट। तो कॉमन कितना नंबर है हमारा, 9 नंबर, इसी से एक लूप लेंगे और इसको स्टार्ट करने के लिए हम दे देंगे 8 नंबर पर। इसमें क्या लगाएंगे हम, एक NO लगाएंगे, ये क्या है हमारा NO, तो इससे जो जाएगा हमारा 8 नंबर, 8 नंबर पर यहाँ क्या होगा, स्टार्ट, ठीक है। और दूसरा जो हमारा लूप रहेगा, ये भी हमारा NO है, यहाँ भी NO एलिमेंट लगाएंगे और ये रीसेट के लिए रहेगा, ठीक है। इतना के लिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। कॉमन से एक वायर को लेंगे हम और उससे एक NO एलिमेंट लगा के, ये मेरे पास में एक NO एलिमेंट है, इसको ऐसे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इस वायर को यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ, और सीधा 8 नंबर पर दे देंगे, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। रीसेट के लिए भी सेम है, यहाँ इसको इनपुट देंगे और आउटपुट इसकी रीसेट पे दे देंगे। रीसेट कितना नंबर है हमारा, 10 नंबर। तो ये तो हमारा स्टॉप और रीसेट के लिए रहा। अब सर्किट के लिए इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे, तो हमारा जो सर्किट है, कोई भी सर्किट, जैसे मैं एक सबसे छोटा डायग्राम ही मान लेता हूँ, ये हमारा फेस आ गया आर फेस, और यहाँ हम एक फ्यूज लगा देते हैं, ये हमारा क्या होगा फ्यूज, इसके आगे हम लगाते हैं एक NC, ये NC है हमारी, और स्टार्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, NO, NO और NC के लिए आपको फुल डिटेल जानी है तो मैंने 101 पहले वीडियो बना रखी है, ठीक है। हम्म,
तो एनो लगा दिया, और यहाँ हमने किसी में, ये हमारा एक सर्किट है A1 और A2, यहाँ हमारा फेस आ गया और ये न्यूट्रल दे दिया हमने, ठीक है। इसको होल्ड कराने के लिए इसी का हमने एक एनो ले लिया, ये हमारा एनओ है, और इसको हमने यहाँ एनसी पर कनेक्ट कर दिया, सर्किट हमारा होल्ड है। अब हम इसका टाइमर का इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे, तो टाइमर का जो हम कनेक्शन करेंगे यहाँ से इस वायर, इस वाले वायर को आप देख रहे हो, इसको यहाँ रिले पर लगाएंगे। हमारी रिले कितनी है, 5, 6 और 7। 6 क्या है हमारा कॉमन, कॉमन कितना है हमारा 6 नंबर। तो इससे क्या करेंगे हम, और एनसी कितना है हमारा, जो इसमें एनसी है वो है 7 नंबर, ये कितना है 7, और 5 क्या है हमारा एनओ। तो इसको कनेक्शन कैसे करेंगे हम, इस वायर को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आएंगे, या कॉमन पर कनेक्ट कर देंगे, और इसकी जो आउटपुट है इसको हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इस वायर, इस एनसी को यहाँ से, या हम इस एनसी से नीचे से लेंगे, ठीक है, एनसी के आउटपुट लेंगे, और यहाँ हमने जो लगा रखा है ये वायर हमारा, फिर यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट, डिसकनेक्ट करके यहाँ से लेकर इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, और इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, आप समझ पा रहे हो, ये हमारा एक सर्किट है, और यहाँ एक एनसी लगी हुई है, ये आगे सर्किट में चला जाता है, ठीक है। ये वाली एनसी दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, ये जो एनसी हमने यहाँ लगाई थी सर्किट को ओपन करने के लिए, जैसे ही हम प्रेस करेंगे और सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, और क्लो, ये जो भी सर्किट हमारा चल रहा है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एनसी हमारी ये है, ये एनसी, तो इस एनसी को भी हम सर्किट में रखेंगे एमरजेंसी क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो अब टाइमर की एनसी को कहाँ यूज करेंगे हम, तो टाइमर में क्या था, 9 नंबर हमारा कॉमन था, और इससे एक वायर आया था, कितना था हमारा, नहीं, हमारा ये जो कॉमन था वो 6 नंबर था, 6 नंबर कॉमन है, और 5 एनओ है, और 7 एनसी है, तो ये क्या है हमारा एनसी 7 नंबर, और एनओ क्या है हमारा 5 नंबर, ठीक है। तो इसको हम सर्किट में यहाँ इस वायर को काट कर यहाँ ले जाएंगे कॉमन पर, और इसे लगा देंगे यहाँ एनसी पर, ठीक है, एनसी की आउट होगी, जितना हमने टाइम इसमें टाइमर में भर रखा है उतने टाइम चलेगा, उसके बाद में एनसी एनओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनसी, फिर इस तरह से दिखाई देगा, ये एनओ हो जाएगा, तो सर्किट क्या होगा हमारा ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन होगा तो हमारा जो मशीन चल रही है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक हमारा चैनल स्टेशन ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ इलेक्ट्रिकल से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।